आपके वीडियो बनाने के लिए कहाँ गया हूँ मैं, देख रहा हूँ छत पे जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, प्रणाम, क्या हाल है आप लोग के। आज मैं आपको एक उत्तराखंड की पारंपरिक एक ऐसी कला के बारे में बता रहा हूँ जो जो है मतलब शुभ अवसरों पर बनाई जाती है, और उस कला का नाम है ऐपन। और ऐपन कला की मैं बात करूँ तो ऐपन कला जो है उत्तराखंड में सबसे पहले अल्मोड़ा, उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, जिला है एक अल्मोड़ा, वहाँ जो है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी मैं बात बताऊँ तो इसको शुरुआत करने वाले चंद राजा थे। चंद राजाओं के शासनकाल में जो है ये पारंपरिक कला बनाई जाती थी। उस शासनकाल में जो है चंद्रवंश के राज शासनकाल में जो है इस पारंपरिक कला को बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से बनाया जाता था। पुराने समय से ही जो है ऐपन जो है दिवाली हो गया या शुभ कार्य हो गए, हवन हो गए, यज्ञ हो गए, जनेऊ हो गए, लक्ष्मी पूजा होगी या फिर जनेऊ हो गया, ऐसे जो है शुभ कार्यों में जो है यह ऐपन कला बनाई जाती थी। और उस समय जो है ऐसे मांगलिक कार्यक्रमों पर जो है इस ऐपन कला को बनाया जाना शुभ माना जाता था। उस समय जो है महिलाएं लाल मिट्टी से जो है दहलीज हो गया, बाकी घर हो गए या आंगन हो गया, उसकी लिपाई करती थी। और उसके बाद जो है एक चावल को पीस करके उसका वाइट सफ़ेद कलर बनाया जाता था, उससे जो है उसमें अलग अलग आकृतियां बनाई जाती थी। ऐसे करके उस टाइम पे ऐपन बनाया जाता था। अब तो खैर ये इसका जो है चावल और उससे बहुत कम लोग करते हैं, अभी भी करते हैं, बहुत जगह करते हैं। इसका जो है अब जो है बहुत लोगों ने इसका रंग रूप चेंज कर दिया है, इसकी जगह कलर ने ले लिया है। जो रंग आते हैं या पेंट आते हैं उन्होंने इसका अब कुछ चेंज हो चुका है। जो है रंगोली या फिर ऐपन कह लो, ये डिज़ाइन जो है कलरों से बनाए जाते हैं। और इन्हीं कलरों से जो है मैंने भी कुछ डिज़ाइन बना रखे हैं, वो डिज़ाइन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और उनमें शायद हम कुछ और भी बनाएंगे, वो फिर आगे आने वाले ब्लॉग में आपको दिखाते रहेंगे। अभी हम जो है जितना करते हैं, जितना मैंने बनाए हैं उतना दिखाता हूँ। वैसे उत्तराखंड में जो बहुत सारे लोग बनाते हैं इस चीज़ को, एक ऐपन करके अगर आप इंस्टाग्राम में अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ ऐपन करके सर्च करना, बहुत सारे ऐपन मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे। सब ने अपने अपने तरीके से उसको ऐपन कला को जो है सजोने का काम किया है और एक हमारी परंपरा को बचाने का भी कार्य किया है। तो हम दिखाते हैं आपको ऐपन कला। आज मैं आपको एक ब्लॉग दिखा रहा हूँ, ब्लॉग तो दिखा रहा हूँ लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। अगर जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, वो लोग जरूर देखें इस ब्लॉग को। आज मैं बना रहा हूँ ऐपन। ऐपन वैसे महिलाएं बनाती है अधिकतर, लेकिन एक आर्ट है, वो भी आर्ट बनाने का थोड़ा शौक है मुझे। पहले भी बहुत सारे बनाए हैं, बट वही है बचपन में कहाँ इतनी यादें रहती हैं, बनाए बहुत हैं, बट एनीवे उसको साइड करते हैं। अभी अभी मैं बना रहा हूँ ऐपन, वो दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखो, मैं लेके आया था एक कपड़ा, कपड़े के मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए और पेंट से मैं इस पर ऐपन बना रहा हूँ। प्लस मैंने दो चार कपड़े और भी रखे हैं यहाँ पे, इनके भी अभी डिजाइन बनाएंगे। इस पर पहले थोड़ा शुरुआत करता हूँ, लेकिन एक दिक्कत आ रही है इस पर मुझे, जब मैंने व्हाइट पेंट इस पर पे किया तो व्हाइट जो है थोड़ा फैल जा रहा है कपड़े में। आई डोंट नो क्यों फैल रहा है, बट फैल जा रहा है। कहीं पर तो बिल्कुल नहीं फैल रहा, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा फैल जा रहा है। ये देखो, मैं लेके आया था एशियन पेंट, एशियन पेंट जो है फैल जा रहा है इसमें, मुझे सही नहीं लगा। ब्रिजर का मुझे सही लगा क्योंकि ब्रिजर के ऊपर जो ऑयल डाला था, ऑयल मैंने फेंक दिया, और जो इसका पेंट बचा हुआ था पेंट से मैं कर रहा हूँ, पेंट से हो रहा है अच्छे से। अब इसको पहले पूरा फिनिश करते हैं फिर आपको दिखाते हैं अच्छे से। ये देखो, बॉर्डर तो मैंने बना दिया है। अब इसके बाद आगे को जो है मैंने पेंट अभी मंगवा रखा है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तब तक मैं दूसरे में भी इतना ही फिनिश कर देता हूँ। अंदर थोड़ा लाइटिंग की वजह से लाइट कम है ना, तो उस वजह से थोड़ा धुंधलापन आ रहा है कैमरे पर, लेकिन अगले व्लॉग में नहीं आएगा क्योंकि अगले व्लॉग में मैं बाहर अच्छे से बनाऊंगा ना, इसलिए नहीं आ पाएगा। तो इतना अभी तो मैंने बना दिया, अब इसके बाद दूसरा बनाता हूँ। जब अभी मैंने मंगवा रखा है वैसे व्हाइट पेंट, ये देखो ये भी पूरा हो चुका है मेरा, ये भी पूरा हो चुका है मेरा, और ये भी पूरा हो चुका है, मतलब आधा आधा है दोनों दोनों, ये भी आधा है। अब इसमें व्हाइट पेंट करना है मैंने। ओमो स्वास्तिक बना दिया हमने, अब इसको जो है फिनिश करते हैं, इसमें जो है कलर करते हैं थोड़ा डार्क डार्क, फिर उसका थोड़ा और डेकोरेशन करते हैं इसका। दो चीज़ ये करते हैं मैंने फाइनल पूरा, अब इसमें थोड़ी बहुत डिजाइन और करते हैं, बाकी सब कंप्लीट हो गया वैसे, थोड़ी बहुत और करते हैं इसमें। ये लो जी, हो चुका है फिनिश। ज़्यादा कलाकारी अच्छी नहीं लगती है, फिर ओवर हो जाती है कहीं पर, ओके फिनिश। अब हम करते हैं दूसरा स्टार्ट, अब इस पर करते हैं स्टार्ट, और ये हो चुका है फिनिश। अब इसके अलावा मैंने एक ये भी बनाया था, ये भी बना के दो और बना के छोटे वाला, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दो हो गए, तीसरा ये भी हो गया, चौथे की तैयारी, चौथा भी चल जल्दी चौथा भी फिनिश कर देता हूँ। तो ये हमारे चैनल का नाम
इस पे बनाते हैं हम एक दूसरी डिजाइन। ये देखो अब मैं बना रहा हूँ इस वाले में एपन, और इस वाले में देखते हैं पहले ये वाली डिजाइन बनाते हैं इसमें, फिर बाकी सेंटर में क्या करते हैं देखते हैं क्या होता है सेंटर में, तब देखते हैं। ऐसे सीधा तो ये है बट एनीवे इसमें हम घुमा सकते हैं किसी भी तरफ, हाथ जो है सेट रहेगा इसमें ऐसे करके। अब इसको कंप्लीट करते हैं फिर उसका सेंटर में आते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखो ये सारा फिनिश होने के बाद अब हम बीच में करते हैं, बीच में बनाते हैं हम यहाँ पे डिजाइन बनाते हैं और बीच में गणेश जी बनाते हैं या ओम स्वास्तिक कुछ भी बना देंगे, और साइड से हम अपन डिजाइन करते हैं। दो पार्ट करते हैं, इस पार्ट में अलग और इस पार्ट में अलग, दो पार्ट बनाते हैं अभी हम इसको। इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिनिश फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये देखो ये कर दिया मैंने फिनिश, अब इसके साइड से एक और डिजाइन करते हैं फिनिश, जल्दी जल्दी वो बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये बन चुके हैं हमारे गणपति पप्पा, और इस साइड स्पेस खाली यहाँ पे बनाएंगे हम थोड़ी देर बाद। और ये देखिए बहुत प्यारे पप्पा बन गए हमारे गणपति पप्पा मौर्या। ये देखो गाइस मैंने ये इतना बना लिया सॉरी मैं बीच में भूल जा रहा हूँ ना ब्लॉग भी बनाने करके, अपनी धुन में बनाया जा रहा हूँ बस हो गया, बीच में ध्यान से उतर जा रहे हैं तभी। एक ट्राईपॉड लेना है ना उसमें सही रहेगा, उसमें पूरा बनते हुए दिखेगा आप लोग को तब सही रहेगा उसमें। फिलहाल इतना हो गया, अब इसके साइड से भी एक बॉर्डर लेते हैं चारों तरफ से, फिर उसमें जो है ऐसे ही राउंड अप करते हैं तो वो अच्छा लगेगा। ये देखो गाइज बन के रेडी हो चुका है, कैसे लग रहा है? और मुझे पता है अभी अभी रात को 11:34 पे भूकंप के झटके महसूस हुए, क्या आप लोग को भी हुए कमेंट करके बताना मुझे। और आज है डेट 3 नवंबर को, 3 नवंबर को मुझे 11:34 के हल्के झटके आए, मैं पेंटिंग कर रहा था ना हाथ हिल रहा था, मैं कहा भाई भूकंप आ रहा है। देखो कैसा बना है कमेंट करके बताना आप लोग। ये देखो आज हम एक एपन और बना रहे हैं इस पर अभी देखते हैं क्या बनता है। अभी तो खाली हमने इस पर बॉर्डर ऑर्डर दिया है, सिंपल सा बॉर्डर दिया है, अभी आगे देखते हैं इस पर क्या क्या बना सकते हैं हम, क्या बनाते हैं। ये बॉर्डर तो बन गया, अब अंदर वाले बॉर्डर में कुछ डिजाइन बनाते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तब दिखाते हैं आपको। इतना तो मैंने कर दिया, अब इसमें थोड़ी सी और फिनिशिंग देते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। फिर ऐसे ही चारों तरफ करते हैं, पहले इसमें फिनिशिंग देता हूँ फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद बाकी बॉर्डर को फिलअप करते हैं, ये वाला चारों तरफ मतलब इसको फिलअप करते हैं, पहले इसको फिनिश करते हैं। लो जी इस पर दे दिया मैंने थोड़ा सा फिनिशिंग, मतलब फिनिशिंग क्या थोड़ा सा, अगर दिमाग अच्छे से यूज करो, शांत दिमाग यूज करो तो हल्के से फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लगती है, अगर ओवर कर देंगे तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हल्का सा इसमें मैंने ये ऊपर से यहाँ पे स्पेस बच रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इस पर। और साइड पे देखिए, साइड पे जैसे मैंने ये किया है तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा टाइप का लग रहा है, नहीं तो ये खाली खाली रहता उतना भी मज़ा नहीं आता, बट ठीक है एनीवे इसके बाद देखते कैसा बनता है। ये देखिए मैंने लगभग इतना कंप्लीट कर चुका हूँ, वही वीडियो ध्यान नहीं आ पा रहा है ना काम करते करते ध्यान से भूल जा रहा हूँ कि वीडियो भी बनानी है करके। अब मैंने इस पर तो ये वाला कर दिया और साइड में चारों साइड में बॉर्डर दे दिए हैं, ये देखो और इसमें जो है पूरे अपन से भर दिया इसे। अब यही सेम डिजाइन इन सब में आएगी, इसमें भी और इन सब में आ जाएगी चारों में, और सेंटर में आएगा कुछ दूसरा तो उससे जो है और अच्छा लगेगा। ये जो है पोर्ट्रेट मोड में है, ये वाली फ्रेम जो है पोर्ट्रेट मोड में, ये फ्रेम देखते हैं कितना अच्छा लगता है बाकी पूरा बनने के बाद। अभी फिलहाल ये देखो इतना टाइम लग जा रहा है इसमें, महीन काम है तो इसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा है, ऐसे अब सेम समय बनाना है, समय बनाता हूँ एक एक करके बनाते जाता हूँ और आप लोग को दिखाते जाता हूँ, जितना बनते जाएंगे आप लोग को दिखाते जाऊँगा मैं भाई अपन के लिए भी कहाँ रखा हूँ, दिखा देख रहा हूँ छत पे आ रखा हूँ, आप लोग भी कहोगे और जगह कहीं जगह नहीं मिली क्या करें, शांत में जाना पड़ता है ना इसलिए। देखो सबसे पहले दिन बनाया था मैंने ये, अच्छा इसको सीधा कर दूँ, देखो सबसे पहले दिन बनाया था मैंने थोड़ा सा, मतलब फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैंने ऐसी कभी इससे पहले कभी नहीं बना रखा है, फर्स्ट टाइम बना, पहले बनाया मैंने ये, दूसरे बनाया ये, 1 डे 2 डे 2 दिन फिर बनाया मैंने ये, उसके बाद बनाया मैंने ये वाला, फिर उसके बाद कल बनाया मैंने ये वाला। ये कुछ अपन मैंने बना रखे हैं और इनको फ्रेम करना भी बाकी है, इतनी बनी अभी मुझसे, अभी हौले हौले हाथ सेट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ चुकी है ना, स्टार्टिंग ये था इससे ये बेटर हुआ, इससे बेटर हुआ, लेकिन इसमें ज़्यादा कलाकारी कर नहीं पाया मैं, डिजाइन बना नहीं पाया। उसके बाद है ये, फिर उसके बाद है ये वाला, इस पर जो है थोड़ी सी गलती हो गई, हाँ पहले मैंने खाली ऐसे नॉर्मली करने की सोच रहा था लेकिन फिर मैंने कहा गोली बना देता हूँ तो थोड़ा गोली फिनिशिंग में अच्छा नहीं लग रहा, इसके अपेक्षा ये बहुत प्यारा लग रहा है, फिनिशिंग में अच्छी आई है, इसमें थोड़ा सा डल टाइप का हो गया है, इस पर हाथ सेट नहीं हो पाया ना स्टार्टिंग बनाने में, यही तो गलती होती है, चलो कोई नहीं इंसान गलती में इससे सीखता है। ये देखो ये रही कुछ हमारे एपन,